अभी के लिए 26,800 है, बट जब मैं लगा था तब 26,000 था पर एनम। जॉब्स भी अभी यूनिवर्सिटी ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, मतलब इंटर्नशिप दे रही है, जॉब्स फाइंड करने में हेल्प कर रही है। टैक्स 1,850 कुछ आता है। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि क्या बोलते हैं, एक हवा बना के रखा है कि फॉरेन कंट्रीज अगर जाओगे तो बहुत पैसा है। आप ऐसा सोच के आओगे कि मैं ये काम नहीं करूँगा, वो काम नहीं करूँगा, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको फिर घर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरा काम देखा और क्या बोलते हैं, उनको मेरा काम पसंद आ गया। उनको उन्होंने वीज़ा देने का उन्होंने खुद से अप्रोच किया। ठीक से यूनि भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। उसमें भी बहुत सारी बसर थी क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस चाहिए। एक जगह पे ऐसी पकड़ के रखो जो अच्छी है, जिसके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, जो आपको कुछ कर सकता है। अभी तो थ्री ईयर्स के लिए मिला है, फिर वो तो हम एक्सटेंड करवा सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, नहीं तो कुछ और जॉब भी ढूंढ सकते। गो ग्लोबल विद आदि लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चेक करो। वेबसाइट भी आ गई है, फिल इन योर डिटेल्स। वीज़ा एप्लीकेशन से लेकर कोई भी कंट्री आपको चूज़ करनी है, माय टीम विल कॉन्टैक्ट यू। हाय गाइस, दिस इज़ रैडी बॉय। आई होप सब लोग मस्त हो। मैं लेस्टर में हूँ और एक रेस्टोरेंट में आया था खाना खाने और अपना भाई मिला है। ही वर्क्स हियर एंड ही इज़ बीन अ स्टूडेंट बिफोर इन UK। तो अपनी जर्नी के बारे में बताया, बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो भाई क्या नाम है, कहाँ से और क्या कर रहे हो? मेरा नाम भौमिक पटेल है और मैं गुजरात से हूँ। सारू छे, बस मजा आ चल भाई। बहुत बढ़िया। बस मैं 2020 में आया था UK में और क्या बोलते हैं, एक महीने के अंदर अंदर ही लॉकडाउन लग गया था। तो वो टाइम थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा स्ट्रगल वाला था क्योंकि वो टाइम पे क्या है, ठीक से जॉब्स नहीं थी, ठीक से यूनि भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। उसमें भी बहुत सारी बसर थी क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस चाहिए, कभी कनेक्ट नहीं हो रहा है, नेटवर्क इश्यूज ये वो, पर उस टाइम कुछ भी करके सर्वाइव हो गया और अभी ठीक ठाक चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो सर्वाइव हो गया कोविड के टाइम में, तो इट वॉज वेरी प्रॉब्लमेटिक। और एक स्टूडेंट के लिए जो नया नया आया है, कितना इश्यू होता है। सो इट्स एनकरेजिंग, इट्स अ ग्रेट जर्नी। बट भाई अभी आप जब मेरे को रेस्टोरेंट में मिले तो आप यहाँ काम कर रहे हो, तो अभी आप PSW पे हो या पढ़ाई खत्म हो चुकी है? नहीं, मेरी पढ़ाई खत्म हो। मास्टर्स किस में किया था? नहीं नहीं, मैंने बैचलर्स किया। बैचलर्स किया था, सॉरी, BBA। BBA। बहुत बढ़िया। तीन साल के लिए, ठीक है। उसके बाद PSW अप्लाई किया या आप कौन से वीजा पे हो? नहीं, मैं अभी स्किल वर्कर वीजा पे हूँ। स्किल वर्कर वीजा, वेल वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन। बच्चे पूछते हैं कि पढ़ाई खत्म करके कैसे वीजा लें, तो भाई आपने कैसे स्विच किया, हाउ डिड यू डू इट? क्योंकि मैं इन लोग के साथ ऑलरेडी थ्री एंड हाफ ईयर से काम कर रहा था। उन्होंने मेरा काम देखा और क्या बोलते हैं, उनको मेरा काम पसंद आ गया। उनको उन्होंने वीजा देने का उन्होंने खुद से अप्रोच किया कि भाई तुमको चाहिए तो देखो। मेरे को चाहिए भी था वैसे भी, बोला ठीक है ले सकते हैं हम भाई। इट्स ग्रेट ग्रेट न्यूज। तो मैं बता दूं, मतलब जैसे भाई स्टूडेंट वीजा पे था तो इन्होंने पार्ट टाइम जॉब ढूंढी, ही वर्क रियली हार्ड और सेम कंपनी ने, सेम रेस्टोरेंट ने इनको खुद वर्क वीजा ऑफर किया। बहुत बढ़िया यार। कितने टाइम का वर्क वीजा मिला आपको? अभी तो थ्री इयर्स के लिए मिला है, फिर वो तो हम एक्सटेंड करवा सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, नहीं तो कुछ और जॉब भी ढूंढ सकते हैं या तो फिर वापस भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तीन साल के लिए भाई को वीजा मिला है, फिर एक्सटेंड भी करा सकते हो। तो भाई कितनी सैलरी है, व्हाट इज द मिनिमम सैलरी यू नीड फॉर स्किल्ड वर्क वीजा राइट नाउ? अभी के लिए 26,800 है, बट जब मैं लगा था तब 26,000 था पर एनम। लास्ट ईयर 26,000 पर एनम। सो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं 26,000 पर एनम, मतलब मंथली हाउ मच इज द इनकम आफ्टर टैक्स? आप कितने पैसे आ जाते हैं? टैक्स 1,850 कुछ आता है। 1,850 के आसपास। सो इज दैट इनफ टू सरवाइव इन UK? यस इट इज, बिकॉज मेरी वाइफ भी है अभी मेरे साथ, दोनों अच्छे से सरवाइव हो रहा है। ओके, घर लेके रखा है हमने रेंट पे। ऑफ कोर्स, दोनों अगर दो लोग काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो आपकी वाइफ भी वर्क वीजा पे है? नहीं नहीं, वो तो डिपेंडेंट है। अच्छा, वो डिपेंडेंट भी और वो फुल टाइम जॉब कर रही है। बहुत अच्छा। सो ही वाज ऑन स्टूडेंट वीजा, इन्होंने खुद वर्क वीजा लिया है कंपनी में काम कर। भाई आपकी पोजीशन क्या है रेस्टोरेंट में? अभी मैं एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर हूं। सो ही इज अ रेस्टोरेंट मैनेजर। तो जो लोग हॉस्पिटैलिटी देख रहे हैं या जो ही वाज नॉट फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी, बीबीए किया है बट पार्ट टाइम काम करते हुए बिकॉज ही वर्क रियली हार्ड एंड स्मार्ट, तो खुद ही वीजा ऑफर हो गया। बहुत अच्छा लगता है देखकर, सक्सेस स्टोरी हो। जो बच्चे प्लान कर रहे हैं यार, इंडिया से बहुत सारे बच्चे देखते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, वो आना चाहते हैं और वो PSW के बारे में पूछते हैं या वर्क वीजा के बारे में पूछते हैं, आप क्या बोलोगे कि हाउ टू प्रिपेयर देयर माइंडसेट, क्या करें वो UK में आकर कि उनको ये ऑप्शंस मिले जैसे आपको मिले? जैसे उनको एक ही जगह पे, मैं बोलूंगा एक ही जगह पे काम करो। okay. ज्यादा से ज्यादा आप दूसरा काम भी कर सकते हो, मतलब 20 घंटे होते हैं आपको अलाउड, तो आप 10 घंटे कोई और जगह, 10 घंटे कोई और जगह, बट एक जगह पे ऐसी पकड़ के रखो जो अच्छी है, जिसके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, जो आपको कुछ कर सकता है, और अगर आपका इंटरेस्ट है वो फील्ड में, अगर आप कुछ वो फील्ड में कर सकते हो तो ही वो फील्ड में कंटिन्यू करो, वरना चेंज करो, क्योंकि आपके साथ 2-3 साल होते हैं कि आपका करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो उसमें से कोई भी एक जॉब चेंज करो, देखो,
आपको जो सूटेबल हो रहा है वो करो और उसी में आगे हो जाओगे आप फिर। मतलब वही चीज़ है जो आपको पसंद है उसको फॉलो करो, क्योंकि ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा है, ज़्यादा है। और जो बच्चे आ रहे हैं यूके के बारे में पूछते हैं, क्या यूके में पढ़ना इज़ इट राइट और रॉन्ग, आपकी क्या राय है? क्योंकि जब आप आए होगे आपने भी सोचा होगा, व्लॉग्स देखे होंगे, आपको क्या लगा, कैसी रही जर्नी, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि मैं बोलूँगा मेरा कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस जो था, यूनी एक्सपीरियंस, वो मेरा बहुत कम था, क्योंकि दो साल के लिए लॉकडाउन लगा हुआ था। मतलब हर छः महीने में खुल रहा था पर हर दो महीने में बंद भी हो रहा था। तो क्या, मैं यूनी गया हूँ सिर्फ 6 महीने, बाकी तो सब मेरा ऑनलाइन था, तो मेरा यूनिवर्सिटी का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ, मेरे जो दोस्त लोग जो अभी आए हुए हैं उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, उनका क्या बोलते हैं जॉब्स भी अभी यूनिवर्सिटी ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, मतलब इंटर्नशिप दे रही है, जॉब्स फाइंड करने में हेल्प कर रही है। वो भी डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी, अगर आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। हाँ बिल्कुल, कैसी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का रैंकिंग हो गया, ये हो गया वो गया। तो मैं बोलूँगा अगर आप आ रहे हो तो ट्राई करो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। जैसे मतलब कोई भी यूनि जो एडमिशन दे रही है बिना आईएलटीएस देखे या बिना बैंड या ये वो, उसमें मत जाओ। बिल्कुल, क्योंकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। तो आप कैसे चूज करते हो यूनिवर्सिटी, आप क्या बोलना चाहोगे? फॉर एग्जांपल मुझे यूनिवर्सिटी चूज करनी है बट आई एम कंफ्यूज्ड कि मैं कोवेंट्री जाऊं, लेस्टर जाऊं, नॉटिंघम जाऊं, मैनचेस्टर जाऊं, क्या कुछ आप अपने मतलब एक्सपीरियंस से आइडियाज दे सकते हो? एक्सपीरियंस से जैसे जो हमारे अभी तो इंडिया में बहुत सारी कंसल्टेंसीज ओपन हो, बिल्कुल, तो उनसे आप बात कर सकते हो कि भाई मुझे थोड़ा हाई रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए। तो उसके लिए पर आपका प्रोफाइल भी ऐसा होना चाहिए, अगर आपका प्रोफाइल उतना हाई नहीं है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो आपके प्रोफाइल के हिसाब से आप उसको बोलो कि अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी ट्राई करें देने के लिए। और भाई ने कंसल्टेंसी की बात करी है तो आई एम श्योर आपको पता होगा अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो कि मेरी भी अपनी वीज़ा कंसल्टेंसी है, गो ग्लोबल विद आदि, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चेक करो, वेबसाइट भी आ गई है, फिल इन योर डिटेल्स, वीज़ा एप्लीकेशन से लेकर कोई भी कंट्री आपको चूज़ करनी है, माई टीम विल कॉन्टैक्ट यू। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आपने बहुत सही बात कही है कि अपनी रिसर्च भी करो, खुद का जो आपको पसंद है उस बारे में भी मेक श्योर कि आप कंसल्टेंट्स को भी ये बोलो कि आपको ये कोर्स करना है और इसमें आपका इंटरेस्ट है। बहुत सही बात। और क्या बोलना चाहोगे? आई नो यू आर वर्किंग, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और कुछ जो आप बताना चाहोगे यूके के बारे में या जो बच्चों को एक्चुअली समझ के या सोच के आना चाहिए? यूके जितना अभी सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि क्या बोलते हैं एक हवा बना के रखा है कि फॉरेन कंट्रीज़ अगर जाओगे तो बहुत पैसा है, ये है वो है, बट उसके सामने आपको उससे ज़्यादा या उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप उतना कमा पाओ, तभी आप उतनी मजे कर पाओगे। अभी क्या है इंस्टाग्राम पे देखते हैं लोग स्टोरीज डाल रहे, फ़ोन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, बट उसका पीछा ये तो ये भी तो देखो कि उसने मतलब EMI पे लिया है, पूरा कैश दे के नहीं ले लिया। तो इंडिया में जो लोग बैठे वो क्या सोचते हैं, अरे वो तो यूके चला गया, उसने 2 लाख का 3 लाख का फोन ले लिया, लैपटॉप ले लिया, 40-50 हज़ार की गाड़ी ली, भाई वो सब हफ्ते पे जाता है, EMI पे जाता है। वो देखिए लोग वही एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि मैं जाऊँगा 6 महीने में मैं भी फ़ोन ले लूँगा, लैपटॉप ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, ये ले लूँगा, वो नहीं होता है। बहुत सही बात बोलिए, सी लाइफ इज़ गुड हर जगह, बट वही स्ट्रगल्स है और प्रोज एंड कॉन्स है, मतलब कितनी मेहनत की है भाई ने, और बहुत सही इन्फॉर्मेशन दिया। तो बिल्कुल सही बात है कि माइंडसेट लेकर आओ, कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, वो भी ध्यान में रखो। यस, आप ऐसा सोच के आओगे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको फिर घर जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, घर से पैसा मंगाना पड़ेगा। तो माइंडसेट होना चाहिए कि भाई आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू वर्क स्मार्ट, और सी ये लाइव एग्जांपल से सक्सेस स्टोरी है, तो मैं इसलिए व्लॉग्स बनाता हूँ कि जो बच्चे देख रहे हैं फॉलो दिस गाय। और माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि इफ आई एम कमिंग आई हैव टू विन, मतलब सीखना तो है चाहे वापस जाना पड़े अपनी कंट्री में, बट अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना। सही बात है। तो गाइस दिस इज योर आईडी बॉय, भाई मिला, थैंक यू सो मच, बात करके बड़ा अच्छा लगा। देखो कमेंट करो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम मेरा आईडी बॉय है, DM करो, भाई मिलते रहते हैं, वीडियोस बनते रहते हैं, और कुछ भी हेल्प चाहिए गो ग्लोबल विद आईडी। सी यू गाइस सून, थैंक यू भाई, थैंक यू।